राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन. एफ एक्स इक्वल्स, देखो एफ एक्स इक्वल्स है एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी लीव्स रिमाइंडर रिमाइंडर फाइव एंड नाइनटी ऑन डिवीजन बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन रेस्पेक्टिवली. Find the remainder when fx is divided by x minus 2. Question समझ आया? इसमें थोड़ा चेंज है बट पहले जैसा ही है. यदि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा तो फिर ये भी कर लोगे अच्छे से. समझ में आया तो सॉल्व करो इसको. क्या बोला जा रहा है कि एफ एक्स का जो रिमाइंडर आएगा वो 5 और 19 होगा जब वो x माइनस वन और x प्लस वन से डिवाइड करे. तो कहने का मतलब है कि क्या दिया हुआ है कि f ऑफ वन कितना गिवन है. देखो f ऑफ वन गिवन है 5 है और f ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी गिवन है 19 है गिवन. बस इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें तो इसे a और b मिल जाएगा हमें सॉल्व करने से. तो f ऑफ वन पुट करें इसमें कितना 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो ये कितना हो गया दिस इंप्लाय माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया. देखो ये 4 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा. कॉल दिस बी 1. 4 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 इज 2. 2 सबट्रैक्ट करें तो 3 आ गया. ये पहला हो गया. ऐसे ही f ऑफ माइनस 1 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 1 और माइनस वाइज प्लस हो जाएगा प्लस 2 यहां पे प्लस 3 माइनस प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 19 हो गया. तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए प्लस बी इज ये देखो 19 माइनस 6 13 हो जाएगा. ये सेकेंड हो गया तो ए प्लस बी 13 हो गया माइनस ए प्लस बी 13 हो गया. इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने से देखो माइनस ए प्लस बी ये 3 है दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 16. तो मतलब b का वैल्यू कितना आ गया 8. b का वैल्यू 8 आ गया. अच्छा b 8 आ गया 8 रख दे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा. यदि b 8 इसमें रख दे तो 8 a 5 आ जाएगा. तो a 5 मिल गया b मिल गया. तो कहने का मतलब कि हमें fx मिल गया. fx क्या हो गया बताओ x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और a है 5 तो माइनस 5x b प्लस 8 b हो गया 8 तो प्लस 8 हो गया
और x माइनस वन और x प्लस वन से डिवाइड करें, x माइनस वन, ये एफ एक्स मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर। तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ टू की वैल्यू चाहिए। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे, एफ ऑफ टू की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो एक्स की जगह टू पुट कर देते हैं, टू की पावर फोर माइनस टू इंटू टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस एट। देखो इसमें से ये कट हो जाएगा, ये कट हो रहा है, कितना मिल रहा है, बारह माइनस दस प्लस आठ, तो ये देखो ये दस हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया बच्चा लोग तुम्हारा, क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? सबसे आया अवनी, रेवती, आद्या, सर आया ना, क्लियर हो गया रिमाइंडर थ्योरम कैसे होता है ना, राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अब हम लोग चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम हेडिंग लिखो, फैक्टर थ्योरम, समझते हैं फैक्टर थ्योरम को कि ये क्या कहता है। तो ध्यान से देखो यहां पे कि यदि x माइनस a से डिवाइड करें px को, कॉसेंट q आ रहा है और रिमाइंडर r है, ठीक है, तो px क्या था, px को लिखेंगे x माइनस a टाइम्स q, जो भी qx है, n प्लस r, आर है, मतलब यदि ये लीनियर है तो ये आर जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, लीनियर है तो कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, हम कब कहेंगे कि एक्स माइनस ए जो है पी एक्स का फैक्टर हो, कब कहेंगे बताओ, जब आर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इफ आर इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई पी एक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एक्स माइनस ए, x माइनस ए इंटू क्यू ना, यही बोलेंगे ना, पी एक्स जो आ गया x माइनस ए इंटू क्यू आ गया। और इस समय हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस ए जो है, x माइनस ए जो है वो क्या हो जाएगा, पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, समझ आए। तो r रिमाइंडर जीरो होने का मतलब है कि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर अभी हम लोगों ने सीखा, रिमाइंडर क्या होता है बताओ, क्या p ऑफ a होगा कि नहीं, और यदि p ऑफ a जीरो हो जाएगा तो फिर x माइनस a क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट है, आप लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को, क्या है, नोट इट डाउन, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल मेल ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड ए इज एनी रियल नंबर, a is any real number, number, then first, पहला point है, first point है, x minus a is a factor of px If p of a is equal to zero, क्या ये पॉइंट समझ आए, ये यही तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि ये x माइनस a फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कब फैक्टर हो रहा है, जब p of a का वैल्यू जीरो हो रहा है। तो यही स्टेटमेंट है कि px कोई पॉलिनोमियल है,
जो कि डिग्री वन या उससे बड़ी है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट डिग्री हो, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो फिर फैक्टर कहाँ मिलेगा ये, इसीलिए एन की वैल्यू वन या उससे बड़ी रखी गई, लीनियर और उससे बड़ी रखी गई, और ए इज एनी रियल नंबर। तो पहला पॉइंट है कि ये एक फैक्टर होगा पी एक्स का, कब होगा, यदि पी ऑफ ए का वैल्यू जीरो आ जाए। दूसरा है, दूसरा दूसरा पॉइंट है, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, देन 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 पहला पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए जीरो, पी ऑफ ए का वैल्यू यदि जीरो है तो एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा पॉइंट लिखो कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। क्या दोनों स्टेटमेंट समझ आ रहे हैं? दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? पहला बोल रहा है कि P ऑफ A यदि जीरो है तो ये x माइनस ए फैक्टर है, और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि x माइनस ए यदि फैक्टर है तो फिर P ऑफ A का वैल्यू जीरो हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन है, मतलब बोथ वे ट्रू आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? शार्प समझा क्या? हाँ सर समझा। दोनों वे में समझा क्या? दोनों कन्वर्स? हाँ सर। कि यदि x माइनस a यदि जीरो फैक्टर है तो p ऑफ a का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और यदि p ऑफ a जीरो है तो फिर तो x माइनस a फैक्टर होगा। ये दोनों तरीके से, एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, फैक्टराइज पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आंसर करो, आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का। एक तो यदि आपसे बोला जाता है कि फैक्टराइज करो, तो एक बहुत आसान तरीका आपके पास ऑलरेडी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है ये, थ्री एक्स स्क्वायर, देखो ये थ्री टू जा सिक्स है तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे थ्री एक्स कॉमन ले लिया और ये एक्स माइनस वन और माइनस टू एक्स माइनस वन, ऐसे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस टू, और ये फैक्टराइज हो गया, दिस इज फैक्टराइज्ड, है ना, और तो यही तो फैक्टराइजेशन है इसका। लेकिन इसमें हमने फैक्टर थ्योरम बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, आपने फैक्टराइज कर तो दिया लेकिन फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम का कोई भी प्रयोग इसमें हमने नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये मेथड वन है फैक्टराइज, ये तो हम सबको पता है। अब एक दूसरा मेथड है, मेथड नंबर टू हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ, पी ऑफ जीरो चेक करता हूँ, पी ऑफ जीरो पुट किया तो ये आ रहा है टू एंड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स एक्स माइनस जीरो इज नॉट अ नॉट अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का ये फैक्टर नहीं है। अब मैं भाई पी ऑफ वन चेक कर लेता हूँ, पी ऑफ वन, पी ऑफ वन में मैंने ये पुट किया तो ये कितना आ जाए, देखो थ्री माइनस फाइव प्लस टू जीरो आ गया, अरे वाह ये जीरो आ गया। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फैक्टर थ्योरम के बारे में, कि क्या बता रहा है कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्यों, आपने हिट एंड ट्रायल किया ना पहले, ऐसे हिट एंड ट्रायल, इसमें x की जगह 1 पुट कर दिया और देखा कि अरे ये तो 0 आ रहा है, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर।
ये क्या हो गया, ये एक फैक्टर निकला है, तो ये क्वाड्रेटिक के कितने फैक्टर होंगे, दो, दो फैक्टर होंगे बाय द वे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, और लीनियर लीनियर मतलब सम लीनियर होंगे रियल और सम लीनियर होंगे कॉम्प्लेक्स, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ये भी एक थ्योरम होती है। तो फिलहाल तो हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है और एक रियल आ गया तो दूसरा भी रियल लीनियर फैक्टर आएगा इसका, ठीक है। तो अभी x माइनस वन एक फैक्टर मिल गया, तो अभी दूसरा क्या करते हैं बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू, देखो 3x² - 5x + 2 है, इसका एक लीनियर फैक्टर हो गया x माइनस वन हो गया। अभी दूसरा तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि इसका कोई ना कोई लीनियर फैक्टर है, तो मैं उसको x माइनस अल्फा ले लू क्या कि भाई ये दूसरा हो गया। लेकिन क्या अभी ये बैलेंस होगा, ये दोनों अभी बैलेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं बैलेंस हुआ बताओ, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यदि बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, और बैलेंस हो गया तो अब एक्स का कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, या तो कंपेयर कर दो इसको तो अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा हमें चाहिए चाहिए, तो या तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जो बहुत आसान सा आंसर है कि x को 0 पुट कर देते हैं, तो ये कितना 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो -3 - -α, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, देखो 2y3 आ गया, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3x² - 5x + 2 की वैल्यू इसके इक्वल हो गई 3 times x - 1 और अल्फा इज 2/3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस वन और ये कितना है 3x - 2, चेक करो क्या ये वही है जो अभी आया था 3x - 2, देखो x - 1 and 3x - 2 सेम आया, सेम टू सेम है। इस तरह से हम लोग इस तरह से फैक्टर करते हैं। कोई डाउट बच्चा लोग इस मेथड में क्या किया बताओ, इसमें सबसे पहले बताओ क्या किया हमने, इसको फैक्टराइज कर लिया, मतलब हिट एंड ट्रायल किया, हिट एंड ट्रायल किया, देखा क्या क्या जीरो आ रहे हैं, जीरो आ गया। आप चाहते तो दूसरा भी हिट एंड ट्रायल से फैक्टर निकाल सकते थे, बट उसमें ज्यादा समय लगता, तो आप मैंने क्या किया इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि एक x माइनस वन फैक्टर है, दूसरा x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ 3 है इधर 3, और फिर ये हमेशा ट्रू होगी, किसी भी x के लिए ट्रू होगी। जब किसी भी x के लिए ट्रू है तो मैं एक आसान सा x पुट कर देता हूँ जो कि 0 है, तो इसमें पुट करने से ये 2 = ये आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू आते ही ये फैक्टर आ गए आपके। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फैक्टराइज px = x³ - 2x² + 2x - 1। फैक्टराइज करो जल्दी से, फटाफट, टू फास्ट। चलो मैं बता देता हूं करना कैसे है इसको, ठीक है। तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि हिट एंड ट्रायल, जैसे p(1) देखा, p(1) पे देखो कितना आ रहा है, ये 1 - 2 + 2 - 1, क्या ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि 0 आ रहे का मतलब है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आप 2 भी कर सकते हो, p(2) करो, 3 करो,
तो जब एक मिल गया क्यूबिक में, सो बेटर है कि आप बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करो। आप एक काम कर सकते हो कि x माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कोसेंट मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, डिवाइड कर दें तो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा ये देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मिला, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो गया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अभी माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दिए तो अभी क्या होगा, ये प्लस वाला, ये माइनस, ये कट होके ये एक्स आ जाएगा, एक्स और ये माइनस वन रख दें ऐसा, और अब प्लस वन आ गया तो ये एक्स माइनस वन, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक्स माइनस वन एक फैक्टर है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ गया ऐसे। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक है, क्या इस क्वाड्रेटिक को आप फर्दर फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, तो चेक करो इसका डी देख लेते हैं, डी डी डिस्क्रिमिनेंट डी कितना आ रहा है, जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आता है, तो कितना आ रहा है, माइनस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए वन है और सी वन है, तो माइनस थ्री क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे, इमेजिनरी फैक्टर्स आएंगे, तो बेटर है कि हम उन रूट को निकालने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे ही बोल दें, और पर्टिकुलर इस फैक्टर को नाम देते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब यदि आप इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे लीनियर में, तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे इसमें, कॉम्प्लेक्स जीरोज आएंगे बाय द वे इसके, तो क्या इतनी बात समझ आई, तो बस यही फैक्टराइजेशन है, यहीं पे आके रुक जाएगा ये, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था कि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है इसको, तो यहाँ पे तो इसके फैक्टराइज करना है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, ये एक्स माइनस वन इंटू कितना आ रहा था, एक्स माइनस वन से डिवाइड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा, लेकिन ये तुम्हें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, क्या इतनी बात समझ आई। ठीक है, अच्छा मैं एक तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, देखो आपने क्या किया कि x माइनस वन एक फैक्टर ढूंढ लिया इसका, तो मैं एक काम करता हूं कि x माइनस वन जैसे 3 डिग्री का है, तो x माइनस वन ना 3 टाइम्स लिख देता हूं, इस तरह से 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब बताओ कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से ना, लेकिन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ गया माइनस माइनस एक्स स्क्वायर भी आ गया साथ में, और यहां पे है माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो एक माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया और एक और चाहिए, तो ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो एक माइनस एक्स स्क्वायर था और एक इधर से मिल गया, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्या इतना बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में आ क्या गया है, ये इसमें मल्टीप्लाई होने से साथ में एक्स आ गया, प्लस एक्स आ गया, प्लस एक्स आ गया, लेकिन हमें टू एक्स चाहिए, तो एक और एक्स चाहिए, तो प्लस एक और कर दे मल्टीप्लाई वन, तो देखो वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा, वन एक्स और एक एक्स, टू एक्स है, और साथ में ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ रहा है, और माइनस वन ही आना चाहिए, तो यदि ये लास्ट में मैच कर गया, इसका मतलब कि हमने जो कैलकुलेशन की है ये बिल्कुल सही है। अब इसको हटा देते हैं,
और ये क्या हो जाएगा फिर x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्या ये मेथड समझ है शार्प? क्या ये मेथड समझ है? हाँ सर। अंशुमान, रेवती, समझा क्या ये मेथड? अब मैं एक काम करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन देता हूँ फैक्टर थ्योरम के, जो कि तुम्हारे होमवर्क हो जाएंगे, चलेगा? मैं शेयर करता हूँ, आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है।